यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश की सचिवालय में प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले भी लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के दौरान नेरचौक मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया। इसी साल से नेरचौक में काउंसलिंग शुरू करने की योजना भी है। वहीं हमीरपुर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया गया है। वहीं इस दौरान सीएम के गृह क्षेत्र में मंडल दफ्तर खोलने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की मीटिंग के दौरान शिमला में पानी की समस्या पर विस्तार से मंथन किया गया। शिमला के लिए कोल डैम से पानी लाने के लिए विश्व बैंक पोषित योजना को भी स्वीकृत किया गया, जिस पर जल्द ही काम शुरू होगा। वहीं डॉक्टर्स का स्टाइफंड 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। नर्सों का डाइट मनी भी 180 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 500 रुपए हर महीने कर दिया गया है। साथ ही जंजैली में नया मंडल दफ्तर को खोलने की मंजूरी मिली है।